अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऐसा माना गया है कि कम उम्र के बच्चों को 15 से 20 मिनट तक अगर वीडियो गेम दिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है जरूरत से ज्यादा नुकसान कारक होती है हर चीज का एडिक्शन हमें कहीं ना कहीं डुबा देता है तो ये में हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बुरा तब साबित हो जाता है जब हम इसे कंट्रोल करना ना जान सके आई नो पेरेंट्स बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद पेरेंट्स तो आई नो मेनी पेरेंट्स जो इस बात पे बहुत विजिलेंट रहते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं सो so मैं जो बात कह रही हूँ वो आइडियल सिनेरियो की बात नहीं कर रही आई एम टॉकिंग ऑफ द सिचुएशन जो पॉसिबल है बदलते जमाने के साथ में काफी कुछ बदला है और कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए अच्छी और बुरी दोनों साबित होती हैं लेकिन उन सभी के लिए एक दायरा बहुत जरूरी है आजकल आप देख रहे होंगे कि गेम वीडियो गेम और ये गेमिंग कल्चर ये टर्म्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं हालांकि इन सभी का अपना अपना डेफिनेशन है लेकिन आज मेंटल डाइट के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं वीडियो गेम्स का यूथ पर और बच्चों पर जो मेंटली अफेक्ट होता है वो किस तरह का होता है उनके दिमाग पर उनके जो डेवलपमेंट पर है अच्छा ये साबित होता है या बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इसके बारे में आज बात करेंगे साथ ही साथ वीडियो गेम्स का उनके मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है इसके बारे में भी आज चर्चा होगी आज मेंटल डाइट में हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर प्रियंका बहरानी मैम जो कि एक रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ एक्टिंग डिन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एट ऑफ स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज एट नवरचना यूनिवर्सिटी आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर प्रियंका बहरानी मैम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे टॉक्शो में आज आपका थैंक यू सो मच जैसा मैंने पहले अभी इंट्रोडक्शन में ही कह दिया स्टार्टिंग में ही कह दिया कि जो गेम का कल्चर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हालांकि इसके कई अलग अलग मतलब हैं लेकिन आज हम सीधी सरल भाषा में जानेंगे कि जो वीडियो गेम्स हैं कई ऐसे गेम्स हैं जिसकी वजह से बच्चे बहुत ही एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं जिससे पेरेंट्स को बहुत चिंता होने लगती है जिसकी वजह से हम खबरों में बहुत बुरी चीज़ें सुन रहे हैं कि गेम्स की वजह से बच्चों पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है धीरे धीरे करके हम इस बातचीत में एडल्ट्स पर भी आएंगे लेकिन शुरुआत करेंगे छोटी उम्र के बच्चों के साथ में और सबसे पहला सवाल यही करेंगे कि आजकल जो पेरेंट्स बच्चों को अलाव कर देते हैं वीडियो गेम्स खेलने के लिए ये सोच के कि ये बस एक उनके लिए एंटरटेनमेंट है राइट right. और वो अपने काम में बिजी रह सकते हैं इसलिए वो बच्चों को अलाउड कर देते हैं कि आप गेम्स खेल सकते हैं तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करेंगे कि क्या ये करना सही है या नहीं सो so, जैसा आपने बोला कि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है गेम के लिए अलाउ नथिंग रॉन्ग बट जैसे हर चीज एक लिमिट तक बहुत अच्छी होती है अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऐसा माना गया है कि कम उम्र के बच्चों को 15 से 20 मिनट तक अगर वीडियो गेम दिया जाए hmm. तो उसमें कोई बुराई नहीं है. 6 साल से 18 साल या 6 साल से ऊपर के बच्चों के लिए अराउंड 45 फाइव मिनट्स टू वन आवर ऑफ वीडियो गेम में कोई बुराई नहीं है नंबर वन hmm. ना सिर्फ बुराई नहीं है बट ऑल्सो वो हमारे कोगनेटिव एलिमेंट्स को पॉजिटिवली अफेक्ट करती है जैसे कि परसेप्शन अटेंशन इंक्रीमेंट उस प्रकार से हमारे कई सारे कॉबनेटिव फंक्शंस को हेल्प करती है बढ़ने में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्रेन प्लास्टिसिटी सो ब्रेन प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर एबिलिटी होती है बढ़ने की न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस को स्ट्रांग बनाने की तो कई जब हम वीडियो गेम्स को एक प्रकार से खेलते हैं एक प्रकार के वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उनसे हमारी प्लास्टिसिटी बढ़ती है और जिससे कि कोग्नेटिव इफेक्ट्स पॉजिटिव होते हैं अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे यह जानने वाली है कि हर गेम हर कॉग्नेटिव फंक्शन को इंप्रूव नहीं करता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बास्केटबॉल और सॉकर की बात करूं तो सॉकर खेलने के लिए हमको सबसे ज्यादा लेग स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है तो उस प्रकार से हमारी लेग स्ट्रेंथ बढ़ेगी अगर मैं सॉकर ज्यादा खेलूंगी सिमिलरली hmm. अगर मैं बास्केटबॉल ज्यादा खेलूंगी तो मेरी आर्म स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उसी प्रकार से हम जिस प्रकार का गेम खेलते हैं उस प्रकार उस जगह के न्यूरॉन्स या ब्रेन में जो फंक्शन है वो स्ट्रांग होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेजेस खेल रहे हैं पजल्स खेल रहे हैं ऑन द मोबाइल और वेर एवर तो उससे हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज होगी बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आ, कोई फाइट गेम्स खेल रही हूँ तो उसमें हमारे स्पाशियल एबिलिटीज थोड़ी इंप्रूव होती है अटेंशन इंप्रूव होता है बट अगेन आज यू सेड हर चीज जरूरत से ज्यादा नुकसान कारक होती है तो उसी का इफेक्ट हम देखते हैं कि जब हम वो कंट्रोल मकानिजम नहीं बना पाते हैं तो उसकी वजह से कई बार हमारे बच्चों के अंदर और धीरे धीरे बड़ों के अंदर अग्रेसिव भी दिखने लगती है से अगर हम ऐसे हर चीज का एडिक्शन हमें कहीं ना कहीं डुबा देता है तो ये में हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बुरा तब साबित हो जाता है जब हम इसे कंट्रोल करना ना जान सके ये yes. आ, आपका कहने का बाउंड्रीज ना सेट कर पाए अगर हम बिल्कुल इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो जो गेम की आदत है अगर एग्रेसिवली कोई एक इंसान है जो गेम के पीछे पड़ गया है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ सकती है मेंटली और इमोशनली ठीक तो अब हम इसको शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जब इंडिविजुअल वीडियो गेम्स खेलता है तो एक होता है मुझे वीडियो गेम्स में खेलती हूँ और मुझे मजा आता है तो मैं कई बार एक घंटा डेढ़ घंटा खेलती हूँ दो घंटा खेलती हूँ या बच्चे खेलते हैं बट देर इज दिसन विच से अब हमारा वीडियो गेम मैं खाली मजे के लिए तो खेल ही रही हूँ साथ ही साथ वो मेरा एडिक्शन बन गया mm -hmm. इसीलिए इंक्लूड किया गया डी एस फाइव में क्योंकि ऐसा माना गया कि देर इज दिस एडिक्शन यानी कि उसे छोड़ा नहीं जा रहा तो जब बच्चों को वो बच्चों को या बड़ों को जिसको भी एडिक्शन होता है तो सबसे पहले जो सिम्टम्स देखने लगते हैं वो विदड्रॉल सिम्टम्स आप mm -hmm. अगर वीडियो गेम बंद कर देते हैं या ले लेते हैं तो बच्चों में या बड़ों में फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन टैंट्रम्स दिखने लगते हैं बच्चों में स्पेशली टेंट्रम्स बहुत दिखने लगते हैं चिल्लाने लगेंगे झगड़ा करेंगे आन एंड डेफिनेटली ये सारी चीजें उनके परफॉर्मेंस में इफेक्ट होती है आप देखेंगे बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा है बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है बच्चा परफॉर्मेंस में पुअर जा रहा है जो अब तक अच्छा करता था उसमें सडनली ग्रेड ड्रॉप होने लगे तो वो सारे सिम्टम्स जो है वो कहीं ना कहीं एडिक्शन को दर्शाते बिल्कुल इसके अलावा भी कोई और सिम्टम हो सकता है जिससे हमें पता चले कि अब आ, हम आ, उस बच्चे को या उस व्यक्ति को क्योंकि यहाँ पे किड्स और एडल्ट दोनों की बात हो रही है तो कैसे जाने कि अब ये सिम्टम्स हैं जो एडिक्शन की तरफ उसको लेके जाए सबसे रहे। पहला विड्रॉल सिम्टम है आप जैसे ही फोन ले लेते हैं या गेमिंग पी बंद कर देते हैं पी पी अब आ गया है शायद तो जब आप ले लेते हैं तो बच्चा जो है वो सडनली बहुत ज्यादा टैंट्रम थ्रो करने लगेगा मुझे चाहिए मुझे चाहिए आपने ले कैसे लिया बच्चा रोएगा चिल्लाएगा एंड दैट इज अ फर्स्ट सिम्टम जब बच्चा इतना रेस्टलेस हो जाएगा और उसको कंसोल करने के बाद भी कि ठीक है तुम पढ़ाई खत्म करो फिर तुम खेल लेना तो बच्चा उससे मानता नहीं है सो दैट समवेयर इज इंडिकेटिंग दैट चाइल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स दैट एडिक्शन राइट एंड एट द सेम टाइम यू कैन सेंस कि बच्चा थोड़ा सा एंक्शस हो रहा है आप उसको बोलेंगे कहीं चलने के लिए बच्चा मना कर देगा नहीं मैं घर पे बैठ के वीडियो गेम खेलूंगा सो hmm. so वो कहीं ना कहीं सो, सोशल होने से डरता है सोशल एंजाइटी डेवलप होने लगती है बच्चे को क्योंकि बच्चा ज्यादातर वर्चुअल वर्ल्ड में रहता है hmm. कुछ स्टडीज भी ये कह रही हैं कि जैसा आपने कहा कि सोशल होने से वो डरता है तो कुछ स्टडीज ये है कहती हैं कि इससे उनके सोशल स्किल्स इंप्रूव भी हो रही है यस yes. राइट right? क्योंकि वो उसमें uh, लोगों से बात कर रहे हैं अनजान लोगों से गेम खेलते खेलते वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मे बी उसकी वजह से वो कम्युनिकेशन uh, स्किल्स उनके थोड़े डेवलप भी हो रहे है। तो हैं बट वो हो सकता है वो वर्चुअल हो रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्टी ये हो जाती है कि अगर साथ में बैठ के खेल रहे हैं hmm. तब तो वो सोशल स्किल्स इंप्रूव हो रही है बट right. अगर वो साथ में नहीं खेल रहे हैं और uh, मैं अपने घर में हूं आप अपने घर में हैं कोई यूएस बैठा है कोई अमेरिका सो दे फाउंड, दे फाइंड दिस वर्चुअल ग्रुप्स एंड उस वर्चुअल ग्रुप में सोशल तो हो गए वो लोग बट दिस इज वर्चुअल सोशलिज्म राइट वर्चुअली वो लोग सोशल हो रहे हैं लेकिन फेस टू फेस सोशल होने में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो एंजाइटी होने लगती है बिकॉज रियली डोंट नो हाउ टू डील विद इट उनको पता नहीं चलता है कि वो किस प्रकार से लोगों के साथ बात करें इंटरक्ट करें स्मॉल टॉक्स रिसेंटली मैं uh, किसी अडोलसेंट को मिली एंड दैट पर्सन सेट वेरी केयरफुली मुझे स्मॉल टॉक करने नहीं आता है मैं जब आपके सामने बैठी हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा मैं आपसे क्या बात करू hmm. So, ये कहीं कहीं इंडिकेशन नॉट ओनली सोशल बट बिकॉज़ हम जनरेशन जनरेशन जी मोर द वर्चुअल वर्ल्ड राइट तो इसलिए वर्चुअल वर्ल्ड में होने से उनको रियली really नहीं समझ में आता है कि जब वो मिले हेलो कैसे आप hmm. क्या चल रहा है आपका यू नो इवन दी स्मॉल टॉक्स सेइंग कि मुझे बहुत समझ नहीं आता मैं आपसे क्या बात करूं राइट right. वो अपने ही एक uh...

जो लोग इस सिम्टम्स को क्योंकि हमारे अंदर अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो हमें नहीं पता चलता है वो हमारे आसपास के लोगों को पता चलता है ऐसे में खुद को अवेयर होना बहुत जरूरी है कि मैं जो कर रही हूँ वो अब मेरी बाउंड्रीज से बाहर जा रहा है तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कैसे पता करें कि हमारी बाउंड्रीज क्या हैं और दूसरा कि वेन टू स्टॉप कब जाने की अब मुझे रुकना पड़ेगा और कैसे उसके क्या टिप्स हो सकते हैं जो आप जो यूथ है उनको भी देना चाहेंगे और एज वेल एज पेरेंट्स को भी देना चाहेंगे जो टिप्स वो फॉलो करके okay. so, हम पहले बच, हम पहले बच्चों की बात करते हैं पेरेंट्स की बात करते हैं पेरेंट्स जो हैं वो आ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है सेटिंग बाउंड्रीज वेरी क्लियरली जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पेरेंट्स के साथ है जो कॉमन कंप्लेन है पेरेंट्स की बच्चे हमारी सुनते नहीं राइट टैंड बिकॉज दे आर ऑल्सो बिजी उनको भी तकलीफ होता है बट आई थिंक की हमको एस पेरेंट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि बच्चों को समझाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी right. तो बच्चे सुने उसके लिए हमको हमारे राइट काइंड ऑफ री एनफोर्सर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा hmm. और सेटिंग बाउंड्रीज जैसा मैंने बोला छह साल से कम उम्र के बच्चों को नॉट मोर देन थर्टी मिनट्स आन साल से ऊपर बच्चों के लिए नॉट मोर देन वन आवर तो वो कंट्रोल हमको रखना पड़ेगा और बच्चों को भी उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के साथ बताना पड़ेगा अब इसमें बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब तो ये चीजें मैनेज हो जाती हैं hmm. लेकिन जब बच्चे छुट्टी पे हैं जब बच्चे फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट फ्लड्स थे तो पूरा पूरा दिन बच्चे घर पे थे सो दैट इज देयर ओनली एंगेजमेंट देख Right. तो वहां पे कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए दूसरा रिलेटेड एलिमेंट हो जाता है कि अगर हम बच्चे को मना कर रहे हैं कि तुम ये ना करो तो सामने क्या करो hmm. उसके लिए पेरेंट्स को एफर्ट डालने पड़ेंगे जो सबसे बड़ी लिमिटेशन पेरेंटिंग की यहाँ पे हो सकती है वो ये कि हमको ये तो पता है कि तुम क्या नहीं करो hmm. बच्चे तुम ये मत करो टीवी मत देखो फोन मत देखो गेम मत खेलो बट उसके सामने मैं क्या करूं उसकी एंगेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा वो जरूरी है फॉर एग्जाम्पल कई बार नाव डेज अभी आजकल हम माइक्रो न्यूक्लियर फैमिलीज की बात करते हैं जहां पे पेरेंट्स और एक सिंगल चाइल्ड है तो अब सिंगल चाइल्ड जो है वो करेगा क्या अगर मेरे दोनों ही पेरेंट्स बी हैं तो उस केस में मेरा चाइल्ड जो है उसको मैं एंगेज कैसे करूं या तो एज अ पेरेंट फादर मदर मुझे अपना काम छोड़ के बच्चे के साथ कुछ गेम्स खेलने पड़ेंगे या तो मुझे इस प्रकार का घर के बाहर सोशल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जहाँ पे बच्चा जाके कुछ खेल सके right. अगर मुझे लगता है कि बाहर बच्चे नहीं है तो आई कैन इनवाइट माय चाइल्ड्स फ्रेंड्स एट माय होम कि यहाँ पे बैठ के खेलो तो कुछ एंगेजमेंट हमको करने पड़ेंगे छोटा सा एग्जाम्पल जो मैं सब पेरेंट्स को देती हूँ कि आप खाना बना रहे हैं एज अ मदर तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो बिजी हूं मैं बच्चे के साथ टाइम कैसे स्पेंड यू कैन प्ले सिंपल गेम्स लाइक वर्ड गेम्स लाइक वर्ड यू कैन प्ले गेम्स बच्चा वहीं बैठा है आप भी बैठे हो बच्चा भी बैठा है पिक्चर कंपोजिशन दे आर सो मेनी गेम्स जो एज पेरेंट मैं मेरा काम भी कर रही हूं बच्चे को भी उसमें एंगेज रख रही हूं बट इट इज ऑल अबाउट एज यू सेट कि मुझे भी एज अ पेरेंट वो अवेयरनेस होना चाहिए कि मेरे चाइल्ड के लिए क्या सही नहीं है कितने लिमिट क्योंकि आधा घंटा बच्चा फोन में यूट्यूब के रील्स देख रहा है फिर आधा घंटा बच्चा गेम खेल रहा है तो ज्यादातर बच्चा जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है तो उससे हमें थोड़ा सा बच्चे को स्टॉप करना पड़ेगा वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिमिलरली हम एडल्ट की बात करते एडल्ट के लिए ये थोड़ा सा आसान है क्योंकि दे आर अवेयर उनको पता होता है कि मैं क्या सही नहीं कर रहा हूं या कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी और काम में मन नहीं लग रहा है। बार बार मेरा मन यही करता है कि मैं फोन में वीडियो गेम खेलू दैट इट्स सेल्फ कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि वो मेरा एडिक्शन की तरफ बढ़ रहा है तो मुझे खुद को वहां पे मैनेज करना पड़ेगा कि मैं वो छोड़ करके दूसरा क्या काम कर सकती प्रोक्रेस्टिनेशन अपने काम छोड़ के जो मुझे काम करने हैं उसको मैं आगे प्रोक्रास्टिनेट कर रही हूं जो काम मैं कर रही मैं पूरा अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पा रही बच्चों में भी दिखता है कि मैं हंड्रेड परसेंट दे नहीं पा रही हूँ सो hmm. so, कहीं ना कहीं क्या मेरा इसका रिलेशनशिप क्या मेरे गेमिंग एक्टिविटी के साथ आ रहा है सो वी नॉट डिनाई द फैक्ट कि गेम्स कैन इंक्रीज उट अबाउट इट बट एट द सेम टाइम जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हमें नुकसान तो देती है एंड वी कैंट डिनाई द फैक्ट हम ये नहीं कह सकते बच्चों को या बड़ों को मत करो बिकॉज वी आर लिविंग इन द सेरा ये तो एक ये तो ये तो एक्सपेक्टेशन ही गलत है hmm. बिकॉज देन चिल्ड्रन फील कि उसकी मदर तो अलाउ करती है आप नहीं करते हो उसके फादर तो कुछ नहीं कहते आप करते हो सो hmm. so हम जैसे प्ले स्टेशन बच्चों को लेके देते हैं अपनी खुशी से लेके देते बहुत जरूरी हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों को मत लेके दो बच्चों को फोन मत दो बच्चों को प्ले स्टेशन मात लेके दो वी कैन अलाउ ऑल ऑफ दैट बट विथ क्लियर बाउंड्रीज एंड राइट काइंड ऑफ एंगेजमेंट इसी टॉपिक को लेके काफी बार घर में नोकझोंक भी होती दिखाई देती है जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स सोचते हैं कि आ, ये बस गेम में ही लगा रहता है या लगी रहती है तो वो उस बात पे उनको डांटते रहते हैं बच्चों को और बच्चों का यही कहना रहता है कि इसके अलावा मैं क्या करूं क्योंकि अभी आ, लाइफ बहुत बिजी हो गई स्टूडेंट्स की भी लाइफ हो तो वो भी बहुत बिजी होती है तो ना फ्रेंड्स मिल पाते हैं ज्यादा और ना ही वो बाहर कुछ खेलने के लिए जा पाते हैं तो ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है घर में इसको सुलझाने का ये एक तरीका है जो मैम ने अभी आपको बताया है कि हर चीज को आप बाउंड्रीज में करेंगे तो वो आपके लिए अच्छी ही साबित होगी अगर आप चाहें तो तो इन टिप्स को आप फॉलो करें और कोई भी चीज तब नुकसान पहुंचाती है जब हम उसको अति कर देते हैं जब जरूरत से ज्यादा करने लग जाते हैं और आज जो मुद्दा लिया जो वीडियो गेम्स का टॉपिक लिया मैं जानती हूँ कि काफी ज्यादा पेरेंट्स सबसे पहले इस वीडियो पे क्लिक करेंगे जितना बच्चे क्लिक नहीं करेंगे शायद उतना पेरेंट्स इस वीडियो को क्लिक करेंगे तो हम चाहेंगे कि आप भी इन बातों को समझें कि आपको भी किस तरह से अवेयर होना है और किस तरह से आपके घर में जो बच्चे हैं उन्हें किस तरह से ट्रीट करना है इस मामले में जब हम वीडियो गेम्स की बात करते हैं सबसे बड़ी डिफिकल्टी यहाँ पे एक छोटा सा रहता है कि मॉनिटर नहीं करते हम बच्चों को कि बच्चा क्या खेल रहा है वीडियो गेम इसलिए बिकॉज वीडियो गेम जो बच्चा खेल रहा होता है तो उसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं कि तुम अगर इसको इंस्टॉल करोगे तो तुमको इतना प्राइज मनी मिलेगा बच्चों को पता नहीं होता है कि ये सब इज नॉट राइट इट्स अ फ्रॉड बच्चों को नहीं पता होता है तो कई बार वो मम्मी के गेम में पापा के फोन में खेल रहे हैं तो मम्मी के गेम में जाके इंस्टॉल कर देंगे उनको पता नहीं चलेगा कि वाइल्ड दे आर सेइंग यस 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 hmm. एक्सेप्टिंग तो उनके बैंक डिटेल्स वगैरह भी सारे सो दे वॉज दिस रिसेंट स्ट्रॉन्ग केस न्यूज में काफी था कि जहां पे इंडिविजुअल के बैंक से काफी सारा पैसा निकल गया था एंड इंडिविजुअल पर अगर मैंने तो कुछ किया ही नहीं था hmm. जब अंदर गए तो पता चला कि बच्चे ने फादर के उसमें खुद ही इंस्टॉल किया और डिलीट भी कर दिया तो फादर को पता भी नहीं चला कि गेम इंस्टॉल हुआ था और ये गेम डिलीट भी हो गया एंड hmm. दूसरी चीज है कि जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं सो आई नो पेरेंट्स बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ इंटरक्शन विद पेरेंट्स तो आई नो मेनी पेरेंट जो इस बात पर बहुत विजिलेंट रहते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं सो so मैं जो बात कह रही हूँ वो आइडियल से की बात नहीं कर रही आई एम टॉकिंग ऑफ द सिचुएशन जो पॉसिबल है जो पेरेंट्स कर रहे हैं बिकॉज़ उनको ये अवेयरनेस है कि अगर मैंने अभी ये टाइम बच्चे के साथ इन्वेस्ट नहीं किया तो मुझे उसके सामने और कितने बड़े-बड़े नुकसान झेलने पड़ सकते हैं तो बस इसी पॉइंट्स के साथ में इस चर्चा को आज खत्म करेंगे मैं बहुत-बहुत शुक्रिया करूंगी डॉक्टर प्रियंका मैम का कि उन्होंने यहाँ पर आकर Uh, हमारा साथ दिया और हमारे सारे सवालों का बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत ही सिंपल वे में जवाब दिया जिससे कि पेरेंट्स और यूथ जिन्हें इन सभी बातों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है उन तक ये मैसेज पहुंचा उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें ताकि ये अवेयरनेस जो पर्पज है इस सेगमेंट का मेंटल डाइट का वो सक्सेस हो सके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेंटल डाइट के और भी एपिसोड से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीएनएम टी साथ ही मेंटल डाइट के और भी कई ऐसे टॉपिक्स हमने उठाए हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है उन सभी वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक देख सकते हैं फिर एक बार लौटेंगे एक और टॉपिक के साथ एक और अवेयरनेस वीडियो के साथ अब तक देखते रहिए वी एन टीवी